शेर अफजल बरवत ने वजदौर पर एक पैगाम जारी किया कि मैं सांगड़ और नवाबशाह के जलसों को मनसूख कर रहा हूँ। रऊफ हसन साहब उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा हु इज शेर अफजल मरवत। जब हामिद खान से बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा मीडिया को। खान साहब ने कहा कि शेर अफजल मरवत फ्रंट फुट पर खेलता है, थोड़ा जज्बाती है, कराची से लाहौर जाना हो तो क्वेटा पहुंच जाता है। मरियम नवाज के कहने पर सनम जवेद खान को बार बार गिरफ्तार भी किया गया, उसके ऊपर केसेस भी बनाए गए और आज जो है उनको जमानत मिली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में होने वाली कुछ आम तरीन डेवलपमेंट आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान में जो सियासी पारा है वो पिछले दो साल से ही बढ़ा ही जा रहा है, लेकिन उसके अंदर जिस तरह के टेक्निकल मोड आते हैं और ये PDM जो खायफ है इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी से, वो जिस तरह से मुख्तलिफ हरबे अपनाती है और कभी अदलिया का इस्तेमाल, कभी ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल, इन चीज़ों के ज़रिए से जिस तरह वो खान साहब को हमेशा जेर करने की कोशिश करते हैं, उस तरह के हरबे आज भी जारी हैं। यानी अब पार्टी के अंदर से वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को रिसेंटली ज्वाइन किया या जिनको मेन जिम्मेदारियाँ अब जाकर मिली हैं, उन्होंने आपस में किस तरह से इख्तलाफात को परवान चढ़ाकर अपनी पार्टी की इलेक्शन कम्पेन को डैमेज करने का शायद ये फैसला किया है, उस पर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंध के अंदर, इस तरह आपको पता है शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से उन्होंने सिंध के अंदर इंतखाबात के हवाले से कम्पेन का आगाज़ कर दिया हुआ है। और शेर अफजल मरवत जो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहादुरी की एक अलामत भी है, इस घुटन के माहौल में, इतना सख्त माहौल जिसमें सांस लेना भी शायद सियासी पार्टियों के लिए बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल हो गया है, ऐसे वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए स्टैंड लेना और डट जाना, खा वो खैबर पख्तूनख्वा हो, खा वो कराची हो, सिंध हो, वो शेर अफजल मरवत साहब के सर ही असेरा जाता है। अब शेर अफजल मरवत साहब ने सिंध के अंदर इलेक्शन कम्पेन का आगाज़ किया, उन्होंने कराची के अंदर, यानी जिस तरह हम KPK में देख रहे थे कि आगे आगे शेर अफजल मरवत साहब की गाड़ी होती थी और पीछे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ होती थी, एज इट हमने देखा कराची के अंदर भी इस तरह से पुलिस ने बड़ी कोशिश की, लेकिन शेर अफजल मरवत जो थे वो कामयाबी से अपने वर्कर कन्वेंशन और अपना जो उनका इंतखाबी जलसा था उसको लीड करते हुए वहाँ तक पहुँचे भी सही और उसको कामयाबी बनाया और मज़ीद इस कम्पेन को जारी रखा। अब इस सिलसिले में जो तर्जमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन साहब, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा हु इज़ शेर अफजल मरवत। जब हामिद खान से बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा मीडिया को कि जी शेर अफजल मरवत का कोई तलक नहीं है पार्टी से और इस तरह के मामला, उन्होंने भी इख्तलाफी बयान दिया। लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि एक ऐसे टाइम के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकलने भी नहीं दिया जा रहा, एक ऐसे वक्त के अंदर जब आप अंदर बैठकर बंद कमरे में स्क्रीन पर भी अगर आप मोबाइल पर वीडियो अपलोड करते हैं उसकी लोकेशन ट्रेस करके आपको उठा लिया जाता है, ऐसे माहौल के अंदर जब आप घर में बैठकर नहीं बोल पा रहे, एक बंदा ऐसा है जो ग्राउंड में खड़ा होकर वर्कर्स के दरमियान खड़ा होकर इस सियासी तहरीक को और इस कंपेन को एक नई जान बख्श रहा है, लेकिन उसके खिलाफ इस तरह का प्रोपेगंडा समय से बाहर है। अभी जब खान साहब से मीडिया वालों ने सवाल किया शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से, तो खान साहब ने कहा कि शेर अफजल मरवत फ्रंट फुट पर खेलता है, थोड़ा जज्बाती है, कराची से लाहौर जाना हो तो क्वेटा पहुंच जाता है, कुछ बयान ऐसे होते हैं फिर हमें उनकी वजाहत करना पड़ती है। यानी ये मरवत साहब के हवाले से था और बैरिस्टर गौहर साहब ने भी ये मजीद वजाहत दी कि मरवत भी हमारा है और बाकी भी हमारे हैं, इनके ज़ाती मामलात को ख़त्म करना चाहिए, ना कि ये पार्टी को गंदा करें और इलेक्शन कम्पेन इससे मुतासर होगी। तो जब एक ऐसी सूरत हाल के अंदर हामिद खान और रऊफ हसन की तरफ से मुसलसल शेर अफजल मरवत को निशाना बनाया गया, तो शेर अफजल मरवत ने वजदौर पर एक पैगाम जारी किया कि मैं सांगड़ और नवाबशाह के जलसों को मनसूख कर रहा हूँ, जब तक इमरान खान साहब इन दोनों को चुप नहीं करवाएंगे तब तक मैं ये सिंध के अंदर जो इलेक्शन के हवाले से कम्पेन कर रहा हूँ ये मैं नहीं करूँगा। लेकिन उसके ऊपर अगर आप देखें जो सोशल मीडिया सार्फीन है, खास तौर पर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया कि शेर अफजल मरवत साहब को कि आप इस वक्त मज़ामत की एक अलामत बन चुके हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन कम्पेन है इसमें आपने नई जान जो है ना वो फूंक दी है, आप इसको कंटिन्यू रखें। उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब ने अपना फैसला वापस लिया और उन्होंने इलेक्शन कम्पेन को जारी रखने का आगाज़ किया। लेकिन याद रहे कि शेर अफजल मरवत साहब एक कमिटमेंट कर चुके हैं और ऑन द रिकॉर्ड वो बता चुके हैं कि सिर्फ 8 फरवरी तक मुझे खान साहब के साथ वफा निभाने दें, मुझे उनके इलेक्शन कम्पेन को लीड करने दें, उसके बाद मेरा चेहरा भी आपको नजर नहीं आएगा। वो कहते हैं ना मैं वजारत का भूखा हूँ, ना मैं कोई जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ तहरीक के अंदर, ये टाइम मुश्किल है खान साहब के लिए, इसलिए इस वक्त में मैं खान साहब का साथ नहीं छोड़ना चाहता और उनके साथ खड़ा होना चाहता हूँ। इस पर खान साहब का पैगाम भी आपके सामने आ गया, मैंने बता दिया, शेर अफजल मरवत साहब ने भी अपना पहले वाले स्टेटमेंट वापस ली और दोबारा से इलेक्शन कम्पेन का आगाज़ सांगड़ नवाबशाह और उधर भी वो करेंगे और जलसों को कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद आज की डेवलपमेंट,
जो एक केस चल रहा था इद्दत के दौरान निकाह का केस इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का, उसके अंदर एक नया मोड़ आया है और फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। उसकी मजीद तफसीलात जानते हैं और उस पर बात भी करते हैं। जो केस जेर समात था उस केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मजीद तफसीलात के मुताबिक गैर शरी निकाह केस में बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में सीनियर सिविल जज कुदरतुल्ला ने अडियाला जेल में समात की। वाजह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म और बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने गुज़श्ता रोज ही गैर शरी निकाह केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। 2 जनवरी 2024 को इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने बानी चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बेगम पर गैर शरी निकाह केस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। ताहम 10 जनवरी के बाद 11 जनवरी को भी इमरान खान बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी, जिसके बाद अदालत ने समाअत आज तक मुलतवी कर दी थी और बिल आखिर आज फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। और ये वो केसेज हैं जो ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से हैं, जो उनको पोलिटिकली डैमेज करने के लिए करेक्टर एसोसिएशन के हवाले से केस बनाए गए थे, उनमें भी आज फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। जिस तरह शेख रशीद साहब साबिक वजीर भी हैं और 17 दफ़ा वजीर रह चुके हैं, एक बुजुर्ग सियासतदान हैं हमेशा से, यानी आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें चौधरी बरादरान और शेख रशीद साहब, इनके हवाले से लोगों का यही कॉन्सेप्ट था कि ये एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं और जब भी ताकत और जमहूरियत का मुकाबला होता है तो ये लोग ताकत को प्रमोट करते हैं, उनका साथ देते हैं। लेकिन इस दफ़ा चौधरी बरादरान में से चौधरी परवेज इलाही साहब और शेख रशीद साहब डट गए हैं। उन्होंने भी वादा कर लिया है अपने आप से भी और अपने वफादार दोस्त इमरान खान से भी कि हम आपके साथ हैं, जैसे भी हालात रहेंगे हम आपके साथ रहेंगे। शेख रशीद साहब ने 40 दिन का चिल्ला काटा, मुशक्तें बर्दाश्त की, उनको मरी के ठंडे इलाकों में हवालात में रखा गया और मजीद उनको इस उम्र के हिस्से में तंग भी किया गया, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ा। आज उनके तकरीबन 13 मुकदमात में 12 में जमानत मिल चुकी थी और एक जो जीएचटी अमला केस है उसकी भी एक और पिटीशन दायर कर रखी थी, थाने के अंदर एफआईआर दर्ज थी, उसमें शेख रशीद अहमद और उनके भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सोचने समझने की बात है किस निज़ामदीन को अब भी क्या खतरा है एक ऐसे बुजुर्ग सियासतदान से जो सिर्फ एक सीट पर इलेक्शन लड़ता है। अब भी उस बुजुर्ग सियासतदान के साथ इस तरह का नारवा सलूक क्यों हो रहा है? शायद उसकी वजह ये तो नहीं कि जब वो बार बार कहते हैं कि मैं असली हूँ और नस्ली हूँ, इमरान खान साहब का वफादार था, हूँ और रहूँगा। ये बात यकीनन ताकतवर लोगों से लेके जो रायबंद के बादशाह हैं, जो हमेशा से चोर दरवाजे इकदार में आने के कायल हैं, जो हमेशा से अपनी गैरत अपनी अना को इकदार के बदले में उसका समझौता करते हैं, बेचते हैं और बूट चाट कर डील करके दोबारा इकतदार में भी आते हैं, उनके लिए शायद ये नागवार गुजरती है बात। उन्होंने फिर से शेख रशीद साहब को केसेस के अंदर घसीटना शुरू कर दिया है, जो इंतहाई शर्मनाक हरकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आज ATC में सरम जावेद खान पेश हुई और वहाँ पर उस नेती खातून के जज्बात दीदनी थे। एक ऐसी खातून जिसको 7 दफ़ा गिरफ्तार किया गया, इंतखाबी मामलात के अंदर भी तंग किया गया, कागजात मुस्तरद करवाए गए सिर्फ एक खातून के हुक्म पर। इस वक्त जिस बंदे को इस निज़ाम ने अपने गोद में लिया है और इस करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम ने जिस बंदे को नवाजने का फैसला किया है, उसकी बेटी मरियम नवाज के कहने पर सनम जावेद खान को बार बार गिरफ्तार भी किया गया, उसके ऊपर केसेस भी बनाए गए और आज जो है उनको जमानत मिली है और तकरीबन सब मुकदमात में ही सनम जावेद खान को जमानत मिल चुकी है। अब देखते हैं कि ये निज़ामदीन उस नेती खातून से भी घबरा कर उनको रिहाई नहीं होने देता या उनको बाहिफाजत घर जाने दिया जाता है। ये सिचुएशन इस वक्त सियासी मैदान के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन भी आमने सामने आ चुके बल्ला छीनने के मामले में। कल साहब कहते हैं कि जी हम पे इल्ज़ाम ना दिया जाए, हम पे मलबा ना डाला जाए, हमने बल्ला वापस नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन कहता है कि बल्ला हमने नहीं सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। अब सवाल वहीं पर खड़ा है कि बल्ला छीनने का मकसद क्या था, अहकाम कहाँ से थे, इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ किस किस को किया गया। ये सवालात ऐसे हैं जो जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा तब तक ये सवालात उठते रहेंगे और बड़े बड़े मस्जिदों पर बैठे हुए चंद छोटे लोगों ने अपने आप को इतना ज़्यादा एक्सपोज किया है कि वो जो जेली इनकलाबी होने का दावा करते थे वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया है और अवाम को उनका असल चेहरा जो था वो नज़र आ गया है। बारसूरत अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।